नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सबको हमारे चैनल द मेडिकेयर में और एक नई नॉलेजेबल वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं फिडोनाल क्रीम के बारे में, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हो, ठीक है ना। मेरे पास एक है ये फिडोनाल क्रीम, इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि आखिर इसका मतलब काम क्या है, ठीक है ना, किस लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, ज्यादा जरूरी है जानना। इसके साथ साथ ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये कैसे यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसको तुम्हें बता दो शॉर्ट में, इसको ज्यादातर अनल फिशर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो कैसे जानना, मतलब कैसे यूज करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल्स में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो लोग नए हो हमारे चैनल को, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में हम हेल्थ रिलेटेड और मेडिसिन रिलेटेड वीडियो ज्यादातर लाते रहते हैं। तो बिल्कुल वीडियो को देर नहीं करते, चलते हो वीडियो को प्लस शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे पास है ये फिडोनाल क्रीम, जैसे कि बताया था आप सबको, ठीक है ना। ये ज्यादातर किस लिए यूज किया था ना, फिशर जब प्रॉब्लम, जो अनल फिशर का जो प्रॉब्लम होता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इसका ज्यादातर मेडिसिन यूज किया जाता है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं यूज करने के लिए, ठीक है ना। मैं बता दूं आप सबका, इसका मतलब इंट्रोडक्शन बता दूं आप लोगों को, क्या है ये, कौन सी कंपनी बनाता है ये, इसको आबर्ट कंपनी बनाता है, ठीक है, आबर्ट कंपनी बनाता है। इसके प्राइस के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों, ये अगर दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा होगा 300 रुपीज में आराम से इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें कौन सा मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है जानना, कौन सा मॉलिक्यूल इसमें अवेलेबल रहता है। इसमें रहता है नेफिडिफिन रहता है, नेफिडिफिन के साथ साथ रहता है लिडोकेन रहता है, ठीक है ना। नेफिडिफिन रहता है 0.3%, उसके साथ साथ रहता है लिडोकेन जो कि 1.5% इसमें अवेलेबल रहता है। क्वांटिटी की बात करते हैं, ये पहले मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना, पहले मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा दूं इसमें क्या क्या है। मैं खुद यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अनल फिशर का प्रॉब्लम है, इसलिए यूज कर रहा हूँ। मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों को बताया जाए, ठीक है। इसमें रहता है कितनी मात्रा में, 30 ग्राम का ये वाला जो ऑइंटमेंट रहता है इसमें, 30 ग्राम। उसके साथ साथ क्या रहता है, सीरिंज करके एक चीज है, ठीक है, जिसके सहायता से आप ऑइंटमेंट यूज कर सकते हो। मैं बाद में बता दूंगा आप लोगों को कैसे यूज करना है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या रहता है, अप्लीकेटर्स रहता है, ये सारा अप्लीकेटर्स है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ऐसा कुछ है अप्लीकेटर, जो कि डिस्पोजेबल अप्लीकेटर है। मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा कि कैसे इसको यूज करना चाहिए, मतलब सही तरीका क्या है, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अनल फिशर क्या है। अनल फिशर क्या है ना, जो अनल का जो एरिया है, ठीक है, और जो रेक्टम का जो एरिया है, वहां पे क्या होता है ना, कट लग जाता है, ठीक है ना। कट लगने के कारण क्या होता है, अनल फिशर का जो फिशर का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो फिशर, जिन लोगों को फिशर होता है, तो क्या होता है ना, हम जब वहां पे अगर टच कर लेते हैं या फिर हम लैटिन कर लेते हैं, तो उसके कारण क्या होता है ना, वहां पे टच होने के कारण क्या होता है ना, पेन होता है, धीरे धीरे वो इन्फ्लामेशन भी होता है, कभी कभी देखने को मिलता है लैटिन के टाइम वो ब्लीडिंग होता है, ठीक है ना। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं लगभग बिफोर 10 डेज से मैं इस दवाई का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ बिफोर 10 डेज, ठीक है ना। ये मेरे को फिशर के कारण क्या होता ना, ब्लीडिंग हो रहा था, जब लैटिन हो रहा था तब ब्लीडिंग भी उसके साथ साथ हो रहा था। एक इंपॉर्टेंट बात यह पे कि जो लोग क्या करते हैं ना, ये प्रॉब्लम को डॉक्टर के साथ ज्यादातर शेयर करने में शर्माते हैं, ठीक है ना, और अपने लोगों के साथ भी शेयर करने में शर्माते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है आप लोगों की सेहत के लिए, क्योंकि ये जो मतलब जो डिजीज है, ये ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए चल सकता है, ठीक है, चलने का चांस है अगर आप सही टाइम पे इसका इलाज नहीं किए तो। जो फिशर का प्रॉब्लम है ये कहाँ पे होता है ना, जो स्पिंचर मसल होता है, ठीक है ना, वो क्या कहाँ पे होता है ना, रेक्टम में होता है, ठीक है, वहां पे ये ज्यादातर होता है, ये जो फिशर का प्रॉब्लम है ज्यादातर होता है। दोस्तों, ये फिशर का प्रॉब्लम होने का बहुत बड़ा कारण है दोस्तों कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके वजह से क्या होता है ना, ये फिशर का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जब फिशर का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तब क्या होता है ना, स्टूल मतलब पास ही नहीं करता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पेन होता है, लोग बहुत ज्यादा पेन सफर करते हैं, उसके पेन, इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है ना, इरिटेशन होता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं। तो इसका यूजेस करना जरूरी है, क्योंकि मतलब ये प्रॉब्लम को बहुत कम समय पे इसका इलाज करता है, और डॉक्टर ज्यादातर इसको प्रिस्क्राइब भी करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसका यूजेस कैसे करना चाहिए, क्योंकि इसका यूजेस जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, इसका यूजेस बताने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये मेडिसिन को आप आंख, मुंह,
नाक इन सब से दूर रखना जरूरी है, ठीक है। इसको यूज करने से पहले आप अपने हाथ को अच्छी तरह से साफ कर दीजिए, ठीक है। जो आनल का एरिया है जहां पे इसको यूज करना है, ठीक है ना, उस एरिया में क्या करना है, नो पूरी तरह से क्लीन करना है। उसके साथ साथ क्या करना है ना, सुखा देना है, ड्राई करना है, उसके बाद इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसका यूजेस कैसे करना चाहिए आप लोगों को पूरा क्लियर डिटेल्स बताता हूँ। इसमें क्या क्या है मैं पहले भी आप लोगों को दिखा चुका हूँ, ठीक है, और एक बार सही, ठीक है। इसमें क्या क्या है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसको मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी फीसर का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जैसे ये, जैसे कि यहाँ पे क्या है ना, ये डिस्पोजेबल अप्लीकेटर्स है, ठीक है, जिसके सहायता से इसका यूज करना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है। इसके साथ साथ ये जो फिरोनॉल का क्रीम है, ये कितने ग्राम का है, ये 30 ग्राम का है, ठीक है, ये 30 ग्राम का यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके साथ साथ क्या है, ये रेक्टाइल सीरिंज है कुछ, हाँ एक रेक्टाइल सीरिंज है। तो कैसे करना है ना, देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, इसका मैं ढक्कन ओपन कर देता हूँ। पहले क्या करना है ना, तो इसको यहाँ पे डालना है, ठीक है, इसको यहाँ पे डाल के एक लॉक करके इसको यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से लॉक करना है। लॉक हो गया पूरा एकदम से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ पे आप इसको यहाँ से प्रेस करिए और यहाँ से आप ओपन कीजिए, ठीक है, धीरे धीरे आ रहा है, ओके 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 पूरा लोड, ओके। तो उसको क्या करना है ना, इसको ओपन करना है, ठीक है, ओके। ओपन करने के बाद क्या करना है ना, ये जो चीज है, ठीक है, इसको यहाँ पे लगाना है, ठीक है ना, यहाँ पे पूरा अच्छी तरह से फिट करना है। फिट करने के बाद क्या करना है ना, यहाँ पे ये सीरिंज टाइप का हो गया, ठीक है, इंजेक्शन देने टाइप का। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे निकालता हूँ, थोड़ा सा मतलब ऑइंटमेंट यहाँ से निकालता हूँ। इसको क्या करता हूँ ना, ये इसके आगे लगाता हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि इसको लगाने से क्या होता है ना, ये थोड़ा मॉइस्चराइज हो जाता है, मतलब अच्छी तरह से जाता है, मतलब आनल के एरिया में कोई दिक्कत नहीं होता है, मतलब दर्द नहीं होता है, मतलब पता भी नहीं चलता है जब जाता है, ठीक है। तो अब क्या करना है ना, इसको मतलब पकड़ लो, ये आनल का एरिया है, ठीक है, इसके अंदर जाना है, वो बहुत ही छोटा होता है, इससे भी छोटा, ठीक है। तो क्या करना है ना, आप इस तरह से करके आप पूरी अंदर तक डालिए, यहां तक, ये जो होल यहां पे, ठीक है, होल आप जैसे आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोग को दिखा, शायद नहीं दिख रहा होगा, होल यहाँ पे है, ठीक है, पूरा डालना है, यहाँ तक डालना है पूरा। डालने के बाद क्या करना है ना, प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद क्या करना है ना, आपको घुमाना है, ठीक है। घुमाने के मतलब, अगर हम घुमाते हैं इसको तो क्या होता है, इससे अच्छी तरह से लग जाता है, इसको अच्छी तरह से लग जाता है, पूरा चारों तरफ से लग जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब यूज आप मतलब बहुत ज़्यादा सही यूज है। इसके कारण क्या होता है ना, चारों तरफ ये लग जाता है, जो कि अच्छा है, ठीक है। और एक बात आप लोगों को बता दूं, ये जो है ये डिस्पोजेबल है, मतलब वन टाइम यूज है, इसको आप एक बार यूज करने के बाद ये जो एप्लीकेटर है इसको आप फेंक सकते हो, दोबारा यूज नहीं करना है। इसके साथ साथ ये पैकेट के साथ 18 एप्लीकेटर दिया हुआ है, 18 एप्लीकेटर है इसके साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये लगभग 7 दिन के अंदर आपको अच्छा रिजल्ट दिखा सकता है, दिखने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है, मतलब 80-90% है इसको 7 दिन के अंदर अच्छे रिजल्ट दिखाने का। तो दोस्तों ये सारा कुछ था इन्फॉर्मेशन ये फिडोनेल क्रीम के बारे में, जो कि आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए। हाँ, वीडियो को शेयर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सब लोग के पास पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, ठीक है। तो अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं, ठीक है ना। और जो लोग नए हो हमारे चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हाँ, क्योंकि इस चैनल पे हम हेल्थ रिलेटेड और मेडिसिन रिलेटेड वीडियो ज्यादातर लाते रहते हैं, जो कि आप लोगों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, किसी भी मेडिसिन को मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद के एक्सपीरियंस कुछ मेडिसिन है या फिर मेरे नॉलेज के हिसाब से जो भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं अगर मेरे पास नॉलेज नहीं भी है कुछ मेडिसिन के बारे में, मैं डॉक्टर लोग है जो जिन लोग से मैं कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और इंटरनेट से भी कलेक्ट करके और बुक से भी कलेक्ट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो या ठीक है, कोई नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।